हाय गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस एम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और आपको वीडियो कंप्लीट देखना है तभी आप सीख पाएंगे चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है वट वॉज द नेम ऑफ सी प्लस प्लस अर्लियर सी प्लस प्लस का पहले नाम क्या था ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर सी विथ क्लासेस सी प्लस प्लस का पहले नाम क्या था सी विथ क्लासेस इन विच ईयर सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि प्लस प्लस किस ईयर में डेवलप किया गया था करेक्ट आंसर होगा 1979 में द टर्म उप स्टैंड फॉर उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम साइज ऑफ अ टर्बो सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर इज सी या फिर सी प्लस प्लस कंपाइलर जो होता है उसका साइज़ कितना होता है सिक्सटीन बीट थर्टी टू बीट्स सिक्सटी फोर बीट्स या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा सिक्सटीन बीट सी प्लस प्लस इज अ डैश लैंग्वेज इनमें से सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा बी नंबर सी प्लस प्लस एक सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन सी पी में इंट डेटा टाइप का साइज कितना होता है वन बाइट टू बाइट फोर बाइट्स या फिर डिपेंड्स ऑन कंपाइलर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर डिपेंड्स ऑन कंपाइलर सी में इंट डेटा टाइप का साइज किस पे डिपेंड करता है कंपाइलर पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है या फिर आपको लगता है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस किस टाइप का लैंग्वेज है इनमें से करेक्ट आंसर होगा ए नंबर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज इन विच लैब सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड C प्लस प्लस को किस लैब में डेवलप किया गया था ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी नंबर बेल लैब में C प्लस प्लस को डेवलप किया गया था हु इज द डेवलपर ऑफ C प्लस प्लस जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो ये तो जरूर पता होना चाहिए कि उसके डेवलपर कौन है या फिर कह लीजिए फादर कौन है तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि C++ के डेवलपर इनमें से कौन से हैं करेक्ट आंसर फास्टर विच सी इज फास्टर इन C++ C++ में इनमें से कौन सा लूप फास्टर है फोर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप या फिर ओल वर्क एट सेम इस्पीड और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा जितने भी लुफ हैं सब सेम स्पीड में काम करते हैं अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो सेम है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग इनमें से कौन फॉर्मेट स्ट्रिंग है ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा सी नंबर परसेंट डी ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है द इफेल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर जो इफेल्स स्टेटमेंट होता है इसे हम रिप्लेस करते हैं कर सकते हैं किस ऑपरेटर के द्वारा बिटवाइस ऑपरेटर आर्थमेटिक ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर राइट आंसर होगा कंडीशनल ऑपरेटर से हम इफेल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय देखिए जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका भी सेम नेम है एज कंस्ट्रक्टर लेकिन ये किसके द्वारा प्रिसीड किया जाता है इनमें से राइट आंसर होगा डी नंबर टिले ठीक है या फिर आप टिली कह लीजिए रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज सिंगल यूनिट में डेटा या फंक्शंस को रैपिंग करना क्या कहलाता है करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं इन कैप्सुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउस ओनली टू क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा क्लास है जो आपको अलाउ करता है सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में वर्चुअल क्लास सिंगलटन क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर फ्रेंड क्लास राइट आंसर होगा बी नंबर सिंगलटन क्लास हाउ रन टाइम पोलिमोरफिजम आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस हम सी प्लस प्लस में कैसे रन टाइम पॉलीमोरफिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी यूजिंग इनहेरिटेंस हम इनहेरिटेंस का यूज करके सी प्लस प्लस में रन टाइम पॉलीमोरफिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरा है यूजिंग वर्चुअल फंक्शन याद रखिएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं वट इज़ अदर नेम यूजड फॉर फंक्शन इन साइड अ क्लास इनमें से कौन सा अदर नेम है फंक्शंस का क्लास के अंदर डेटा मेंबर मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन या फिर क्लास फंक्शन राइट आंसर होगा मेंबर फंक्शन विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर अ सी आउट ऑब्जेक्ट ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर इसे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर विच डेटा टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज इनमें से कौन सा डेटा टाइप सबसे बेस्ट है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल वैल्यूज़ को करेक्ट आंसर होगा हमारा बुलियन बुलियन डेटा टाइप फिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन इनमें से कौन सा डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू है फंक्शन का वाइड इंट कैर या फिर फ्लोट राइट आंसर होगा बी नंबर इंट यू कैन नेबर यूज एड्रेस ऑफ डैश वेरिएबल इनमें से किस वेरिएबल के एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते हैं ऑटो, रजिस्टर ग्लोबल या फिर स्टैटिक। राइट आंसर होगा रजिस्टर द डिफॉल्ट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट स्टोरेज क्या होता है स्टैटिक एक्सटर्न रजिस्टर या फिर ऑटो? करेक्ट आंसर होगा ओटो इन उप अब्सट्रेक्शन रेफर्स टू उप में अब्सट्रेक्शन किसे रेफर करते हैं करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं डी नंबर बोथ ए एंड बी फर्स्ट है हाइडिंग द डिटेल्स डिटेल्स को हाइडिंग करने के लिए सेकेंड सोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेशन के इसेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए फिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न आ वैल्यू इनमें से कौन हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता है इंट वाइड एम या फिर नल राइट आंसर होगा वाइड फिच ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड आफ्टर ट्राई ब्लॉक इनमें से कौन सा ब्लॉक ड्राई ब्लॉक के बाद प्लेस्ड होता है करेक्ट आंसर होगा कैच ब्लॉक फंक्शन इज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एट रन टाइम कंपाइल टाइम नेबर एक्सपेंडेड या फिर दिज करेक्ट आंसर क्या होगा कंपाइल टाइम में फ्रॉम विच फंक्शन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट C प्लस प्लस का जो प्रोग्राम्स होते हैं इनमें से किस फंक्शन से एग्जीक्यूशन उनका स्टार्ट होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मेन फंक्शन फिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन अ फंक्शन फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम बोथ पैरामीटर करेक्ट आंसर होगा सी नंबर बोथ ए एंड बी यानी कि रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम दोनों वट इज़ द ओनली फंक्शन ओल सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सभी सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में होता है या फिर आप कह लीजिए जरूर होता है न्यू फंक्शन स्टार्ट फंक्शन इनलाइन या फिर मेन फंक्शन राइट right आंसर होगा हमारा डी नंबर मेन फंक्शन द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कोल्ड एज कॉन्स्टेंट्स को हम और क्या भी कहते हैं राइट आंसर होगा लिटरल्स एन एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग विच कीवर्ड इन सी प्लस प्लस कैच थ्रो थ्रोस थ्रू राइट right आंसर होगा थ्रो एरे इंडेक्स स्टार्टेड एरे इंडेक्स जो होता है वो किस से स्टार्ट होता है जीरो वन माइनस वन इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा जीरो से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इनमें से कौन सा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा डी नंबर विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट यूज वेन वी नोन द नंबर ऑफ इटरेशंस इनमें से कौन सा लूप का प्रोसेस सबसे बेस्ट यूज होता है जब हम नंबर ऑफ इटरेशंस को जानते हैं फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल या फिर ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा ए नंबर फोर लूप इस काम के लिए फोर लूप सबसे बेस्ट है फीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा बी नंबर वट इज द फॉलोइंग ऑपरेटर कोल्ड इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं इफेल्स ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर गो टू कैन बी क्लासीफाइड इन टू गो टू को आप किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं इनमें से वेरिएबल ऑपरेटर फंक्शन लेबल राइट आंसर होगा हम गोटू को क्लासिफाइड कर सकते हैं लेबल में टोटल टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में कितने टाइप के एरर्स होते हैं ए बी सी या फिर डी राइट आंसर होगा थ्री टाइप्स के होते हैं कौन कौन से होते हैं यह आपको बताना है आइडेंटिफाई द स्टोरेज क्लासेस दैट हैव ग्लोबल विजिबिलिटी राइट आंसर होगा रजिस्टर वट डज आ सी प्लस प्लस क्लास होल्ड इनमें से किसे सी प्लस प्लस क्लास होल्ड कर सकता है डेटा फंक्शन बोथ एरेज राइट आंसर होगा सी नंबर बोथ ए एंड बी यानी कि जो C++ का क्लास होता है वो डेटा और फंक्शन दोनों को होल्ड कर सकता है इज द नेम ऑफ हैज ऑपरेटर इन पॉइंटर पॉइंटर में इस ऑपरेटर का क्या नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर या फिर ऑल ऑफ अबव राइट आंसर होगा सी नंबर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर याद रखिएगा द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेबल इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट लेबल गो टू लेबल के लिए डेस्टिनेशन स्टेटमेंट की जो पहचान होती है उसे किस लेबल के द्वारा किया जाता है इनमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर इसे हम कहते हैं कॉलन फिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इनमें से कौन प्री इंक्रीमेंट का एक सही एग्जाम्पल है ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा सी नंबर फिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस बट नोट इन सी इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप है जो C++ में सपोर्ट किया जाता है करता है लेकिन C में नहीं करता है इंट फ्लोट डबल या फिर बूल राइट आंसर होगा डी नंबर bool ये एक डेटा टाइप है जो क्या करता है C++ में तो सपोर्ट करता है लेकिन C में नहीं करता है फॉलोइंग अप्रोच यूजेस सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस इनमें से किस अप्रोच को यूज करता है हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं सी नंबर लुप इज ऑल्सो नोन एज डू वाइल लुप को हम और किस नाम से भी जानते हैं पर टेस्टेड एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल या फिर ओलोफिज राइट आंसर होगा डू वाई लुप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लुप वट इज द रेंज ऑफ साइंड कैर जो कैर का साइन होता है उसका रेंज कितना होता है राइट आंसर इसमें से होगा माइनस वन ट्वेंटी एट टू वन ट्वेंटी सेवन द वैल्यू ट्वेंटी पॉइंट फाइव एट कैन रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डेटा टाइप किस डेटा टाइप को यूज करके इनमें से हम ट्वेंटी पॉइंट फाइव एट जो वैल्यू है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंट वाइड डबल या फिर इनमें से कोई नहीं नन राइट आंसर होगा डबल डेटा टाइप इन सी पी पी सी इन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम सी पी पी में जो सी इन होता है और सी आउट होता है ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम है इनमें से किसका ऑब्जेक्ट ऑपरेटर फंक्शन या फिर डेटा टाइप का राइट right आंसर होगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है आस की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर इज इस। इसे हम कहते हैं नल नल कैरेक्टर इसका आस्की वैल्यू कितना होता है जीरो थर्टी टू फोर्टी एट या फिर सिक्सटी फाइव राइट आंसर होगा ए नंबर जीरो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने कंप्यूटर रिलेटेड हंड्रेड प्लस फुल फॉर्म्स बताए हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर इनमें से कौन लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर फिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा डी नंबर फिच लुप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इनमें से कौन सा लूप है जो ये आपको गारंटी करता है कि एट लीस्ट एक टाइम एग्जीक्यूट जरूर करेगा यानी कि एक बार फोर लूप वाइल लूप डू वाइल या फिर इनमें से कोई नहीं राइट right आंसर होगा डू वाइल लूप ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है इसकी पूरी सियोरिटी है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इनमें से कौन एक कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है सी प्लस प्लस में कॉपी कंस्ट्रक्टर फ्रेंड डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो होता है ये सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के टाइप में काउंट नहीं किया जाता है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव टाइप ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट स्विच स्टेटमेंट्स इंट कैर फ्लोट या फिर बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा डी नंबर बोथ ए एंड बी यानी कि इंट और कैर दोनों टाइप के वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है स्विच स्टेटमेंट्स अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे